बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंत कानूनगो ने बिहार के मदरसों में पढ़ाए जा रहे किताब पर दरअसल सवाल उठा दिए हैं। प्रियंका कानूनगो का ये आरोप है कि बिहार के मदरसों में बच्चों को गलत शिक्षा दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने मदरसों में कट्टरपंथी पाठ्यक्रम और हिंदू बच्चों के दाखिले पर चिंता जाहिर की है। उनका मानना है कि ऐसी शिक्षा से बच्चों के मनोवैज्ञानिक रूप से गलत असर पड़ेगा। उन्होंने राज्य सरकार से हिंदू बच्चों को मदरसों से बाहर निकालने की अपील की है। तो बिहार में मदरसों की शिक्षा पर ये सवाल उठाए गए हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सख्ती दिखाई है। मदरसे में पढ़ाई जाने वाली एक दरअसल किताब पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष जो है प्रियंका कानूनगो, उन्होंने ये सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को गलत शिक्षा दी जा रही है जिस पर एक्शन लेना चाहिए, और मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिले पर भी ये आपत्ति जताई गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर आरजेडी ने इसे गलत बताया और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मदरसे में ऐसी शिक्षा दी जा रही है, ऐसी पढ़ाई जा रही है जो एक दूसरे के धर्म के खिलाफ नफरत फैला रहा हो, ये बिल्कुल ही गलत है। ये चाहे कोई हो, लेकिन बीजेपी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करती है, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे मदरसा हो, चाहे विद्यालय हो। तो इस तरह से अगर जहर बोने का काम कोई करता है तो उसके खिलाफ समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। और हम मानते हैं कि ये देश सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है।